What's up people, this is Arjun here and once again welcome back to my YouTube channel Desi Vlogger. Guys, it's 8, मतलब सुबह का 8 बज चुका है and like literally यार जो वेदर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ना बहुत ही कमाल का एंड लाइक इस वेदर के साथ ब्लैक टी नेचर के साथ. तो गाइस सीन ऐसा हुआ ना कि भाई कल रात भर मतलब ऐसा जोरों शोरों से बारिश हुआ एंड लाइक हमें उस बारिश ने ना आज इस लोकेशन में वीडियो शूट करने का मौका दिया, नहीं तो शायद हम ये क्यू एन ए वीडियो क्योंकि वही रॉक गार्डन वाले रोड में ही शूट करने वाले थे. मगर एंड यहाँ पे इसलिए क्योंकि यार जो वो रोड है ना वो रोड में लैंडस्लाइड आया हुआ है एंड लाइक उसके चलते रोड ब्लॉक है. हालांकि यहाँ पे भी लैंडस्लाइड तो है, लैंडस्लाइड यहाँ पे तो उससे पहले ही गिर चुका था, मगर यहाँ पे थोड़ा साइड से रास्ता बना हुआ है गाड़ी पास होने के लिए. तो भाई आज ना हम तो है कैमरे के पीछे एंड लाइक कैमरे के सामने से आज कौन बात करेगा. सो गाइस चाहे कैमरे के पीछे हो या कैमरे के आगे बात तो हम ही करेंगे, ठीक है ना. आपका ये देसी ब्लॉगर ही बात करेगा आपसे. तो देखो यार आप गेस करो कि भाई अभी कितना बज रहा होगा. अनलाइक मैंने कुछ ही मिनटों पहले आपको मैंने कितना टाइम बताया था, तो अभी का वो जो टाइम है ना वो है 4:10, यानी कि शाम का 4:10 हो चुका है एंड लाइक बारिश के बूंदे गिर रहा है. एक्चुअली बारिश नहीं गिर रहा है मगर हम पेड़ के नीचे हैं तो उस वजह से. तो भाई आप सोच रहे होंगे कि भाई सुबह का 8 एंड अभी शाम का 4 तो क्या माजरा है बोल के. तो भाई यहाँ पे ना आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सुबह के वक्त जब हम वीडियो शूट कर रहे थे सब कुछ ठीक था एंड उसके चलते हम जस्ट रेडी हुए Q&A सेशन के लिए अपने गाड़ी में बैठकर. तो मैंने अपना फ़ोन का नेटवर्क ऑन किया तो भाई फ़ोन का नेटवर्क था 0 एंड उसके चलते मुझे एक्चुअली जो YouTube क्रिएटर स्टूडियो है वहाँ पे जाके कमेंट को पिक करना था. तो उसके चलते अगर आपका फ़ोन में मोबाइल इंटरनेट ना हो तो फिर वो ओपन ही नहीं होगा. तो उसके चलते हम काफ़ी वेट किया, हमने काफ़ी इधर उधर राउंड लगाया फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा था. तो फाइनली यार हम कर्शिंग गए एंड लाइक कर्शिंग हम जैसे जा रहे थे तो फिर बारिश शुरू एंड लाइक बारिश नेटवर्क तक कर्शिंग जाके मिल के भी क्या फ़ायदा. फिर बारिश में ऐसा हालत पहुँच चुके ना हमारा. तो बस अभी यही 3:30 या 3 को बारिश थमा एंड या एक्चुअली अभी हम वो स्पॉट पे आ चुके हैं जहाँ पे हम और आप मिलकर बातें करेंगे. तो बेसिकली गाइस ये वीडियो होगा Q&A वीडियो, यानी कि हमारा चैनल में पहला Q&A सेशन. गाइस सबसे पहला मैं क्वेश्चन यहाँ पे पिक कर रहा हूँ कुंगा हैसे जिम्बा जी का. तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई एज वी नो दैट द BS6 कॉम्प्लीमेंट इंजन इज टोटली बेस्ट ऑन कंप्यूटराइज, सो वेन एवर आवर एंट्रो गेट्स प्रॉब्लम समवेयर इन मिडल ऑफ द रोड एज द कंपनी हैज प्रॉमिस फॉर इट्स रोड असिस्टेंस हेल्प विल इट बी देयर टू हेल्प अस एट द राइट टाइम. तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरा दिमाग में एक अपना बीता हुआ कल याद आया एंड लाइक वो बीता हुआ कल इसी रोड असिस्टेंस को लेकर. तो आपको कंपनी तो बोल देता है जब आप गाड़ी खरीदते हो तब कि भाई रोड असिस्टेंस हेल्प आपको मिलेगा, आपका गाड़ी 100 किलोमीटर्स के अंदर कहीं पे भी कुछ भी हो जाए तो आपको हेल्प मिलेगा, इंस्टेंट रोड असिस्टेंस आपको एक्शन करेगा एंड लाइक आपका गाड़ी प्रॉपरली सेफ एंड साउंड होगा बोल के ऐसा हेल्प करता, ठीक है. मगर मेरे साथ जो हुआ वो मेरे को भी पता है एंड लाइक विराट भाई को भी पता है, विराट को भी पता है क्योंकि हम लावा टूर कर रहे थे, लावा राइड कर रहे थे रॉयल इनफील्ड में. इस पर नहीं, रॉयल इनफील्ड तब था मुझे मेरे साथ एंड लाइक तब हम जब ले रहे थे रॉयल इनफील्ड तो बोला कि भाई रोड साइड असिस्टेंस आपको ऐसा करके मदद करेगा, आपको ये बेनिफिट्स देगा, आपको ये वो करेगा बोल के. मतलब लाइक लिटरली जब हमारा गाड़ी पंक्चर हुआ ना लावा में, लावा से हम लोलेगांव की ओर जा रहे थे मिडल ऑफ द जंगल में, ठीक है. तो जंगल में जाके हमारा गाड़ी ख़राब हुआ तो उसके चलते यार हमने लोकल से कांटेक्ट किया, लोकल भी हमें प्रॉपर एड्रेस नहीं दे पा रहा था गैरेज का, हमने इधर कांटेक्ट किया उधर कांटेक्ट किया, अपने तरफ से जितना हो सके हम कर रहे थे मगर फाइनली हमने कुछ भी नहीं सका एंड उसके चलते हमने रोड असिस्टेंस को कांटेक्ट किया. तो जब हम रोड असिस्टेंस को कांटेक्ट किया ना कि भाई उनका जवाब क्या था पता है, कि भाई हम आपको मदद नहीं कर पाएंगे, हम 500 रुपये आपका अकाउंट में डाल देंगे, बस आप जैसे भी तरह उस सिचुएशन से बाहर आओ. अब भाई हम खुद बाहर नहीं निकल सक रहे तो आपको फ़ोन कर रहे हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ उपाय करो यार, आपने प्रॉमिस किया था, हम जब गाड़ी ले रहे थे तब इतना बड़ा बड़ा प्रॉमिस फेंका था आप लोगों ने मगर आपका प्रॉमिस कहाँ गया. तो उन्होंने पूछा कि भाई आपका जो लोकेशन है जो मेन लोकेशन वो अनट्रेसेबल है, ट्रेस नहीं कर पा रहे हम आपका लोकेशन को एंड उसके चलते हम अपना गाड़ी वहाँ पर भेज भी नहीं सकते. अरे यार ये क्या माजरा, आप अगर पहले प्रॉमिस भी करते हो फिर आप इतना मतलब झूठा तसल्ली दे के हमें गाड़ी भी खरवा
खरीद वा लेते हो एंड लाइक उसके चलते आप जब प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आया तो भाई आप मुंह मोड़ लेते हो। तो ये मेरा बात ना, तो ये चीज़ ना मेरा दिल पे लगा हुआ था पहले से, तो आज फाइनली यार ये क्वेश्चंस ने ना मेरा पूरा दिमाग ही खोल दिया। तो मैं दे रहा हूँ अच्छी तरीके से, मैं आपको बताऊँगा ठीक है। तो यहाँ पे वही सीन हुआ कि भाई उन्होंने बोला कि भाई आपका लोकेशन जो है वो अनट्रेसेबल है, हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, हम आपका प्रॉपर लोकेशन को सेट नहीं कर पा रहे अपने सिस्टम में। भाई सिस्टम को मारो गोली भाई, पहले मदद के लिए आप बोलते हो कि भाई हम ऐसा ऐसा बेनिफिट्स देंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, वो करेंगे, मगर फाइनली जब टाइम आया तो भाई मुंह मोड़ लिया। तो उसके चलते यार हमारा ना पंचर हुआ था दोपहर को 12 या 12:30 बजे को, एंड लाइक पंचर बनते बनते 5:30 बजे को पंचर बना इनफील्ड का, ठीक है। सोचो यार 12 बजे से लेकर 5 बजे तक हम क्या कर रहे थे, हम गाड़ी को वो स्टीप रोड ऑफ रोडिंग मतलब ढकेल ढकेल के ले जा रहे थे। एंड लाइक विराट भाई ने यार बहुत ही हेल्प किया था, अब होता है। एंड गाड़ी को कभी उधर ले जाओ, गाड़ी को कभी इधर ले जाओ, फिर वही रोड फिर होके फिर लाओ, बोलता है गैरेज वाले भैया आप रॉन्ग रोड पे चले गए, आप रॉन्ग गांव पे घुस गए, ये घुस गए, मतलब हम लोग का फट गया था तब। तो उसके चलते यार मैं तो यही सिंपल से कहूँगा कि भाई रोड असिस्टेंट शायद आपको तो हेल्प देगा होगा मगर मुझे नहीं दिया, एंड मुझे तब अच्छा भी नहीं लगा था, ठीक है। तो यही बात है कि भाई इट्स नॉट श्योर कि आपको हेल्प आएगा या नहीं आएगा बोलते, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर भी डिपेंड नहीं करते, वो भाई जो प्रॉमिस करते हैं ना उन लोग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उन लोग का मर्जी रहता है कि भाई ये बंदे को हेल्प करना है या वो बंदे को हेल्प करना है। तो यही है भाई, तो अपना एक्सपीरियंस था मैंने शेयर कर दिया। तो यही है कि भाई रोड असिस्टेंट वाले शायद जो नज़दीक या जो लोकेशन ट्रेस कर पाते वहीं तक ही हेल्प कर देते, इफ़ नॉट उम्मीद छोड़ दो। एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि भाई माउंटेन विंड ने, भाई एवर थॉट ऑफ डूइंग लॉन्ग राइड ऑन योर स्कूटर? हाँ जी सोचा था भाई लॉन्ग राइड करने के लिए, इसी साल को होगा बोल के मैंने प्लान भी किया था, मगर शायद लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाएगा इस साल। एंड एग्जांपल नेपाल और भूटान, नेपाल तो मेरा मैप में था, अपना डेस्टिनेशन में था नेपाल, मगर शायद नेपाल भी इस साल नहीं हो पाएगा। एंड भूटान तो मैं पिछले साल ही जाके आया हूँ, तो इस साल देखूंगा, अगर इस साल भी नहीं होगा शायद कर पाऊँगा तो नॉर्थ ईस्ट ट्राई करूँगा एक बार, नॉर्थ ईस्ट राइड करने के लिए इस साल कोई, अगर सिचुएशन अच्छा रहे तो। एंड यू शुड डू दिस मोटर ब्लॉगिंग कंटेंट, रेस्ट यू आर बीइंग गुड, जस्ट कीप अटेंशन ऑन योर माइक। हाँ जी माइक का तो बहुत ही बड़ा इशू रहा है, अब ऑनलाइन में भी नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन में भी नहीं मिल रहा है, जो TRSS इनपुट है ना, अब दुकानदारी सब बंद है तो कहाँ से मिलेगा यार। अब कर रहा हूँ धीरे धीरे कर रहा हूँ। लाइक प्रतीक पांड्या ने यहाँ पे पूछा कि भाई एंटॉक में क्या क्या मॉडिफिकेशन करोगे, सो दैट वी टू कैन डू इट इफ लाइक्ड। हाँ भाई जितना भी मॉडिफिकेशन होगा, जितना भी मैं कुछ भी एक छोटा से छोटा नट भी चेंज करूँगा ना, तो मैं आपको जरूर बताऊँगा, बस आप इस तरह ही अपना प्यार देते रहना। एंड लाइक मॉडिफिकेशन का जो वीडियो है वो ऑब्वियसली आएगा आने वाले कुछ ही दिनों में, ठीक है। हम भी कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, एक दो आपको जरूर शेयर करेंगे। MD भासीर ने यहाँ पे पूछा कि भाई हेलो ब्रो, टेल अस अबाउट योर एजुकेशन एंड व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, लव फ्रॉम कोलकाता। इतना प्यार देते हो यार कोलकाता से, यार कोलकाता आने का दिल कर रहा है। एंड लाइक जो कोलकाता का एक मिठाई है ना, क्या बोलते थे, संदेश ना, क्या बोलते थे, एम आई प्रोनाउंसिंग राइट, संदेश, तो वो खाने का दिल कर रहा है, ठीक है। कोलकाता जिस दिन आऊँगा बस आपको मिलूँगा एंड संदेश खाऊँगा। तो एजुकेशन के बारे में यार हमने BCom से ग्रेजुएट किया है इग्नो में, एंड वो तो छोड़ो यार, वो अब छोड़ो वो सब छोड़ो। एंड लाइक HS किया है हमने डॉन बॉस्को स्कूल से मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में किया है हमने। तो GKD यात्री ने यहाँ पे पूछा कि भाई हाई ब्रो, कैन यू टेल अस अबाउट योर ब्लॉगिंग सेटअप एंड एडिटिंग ट्रिक्स। ब्लॉगिंग सेटअप तो क्या है भाई, वही एक GoPro Hero 5 एंड हम उसको अपना हेलमेट में माउंट करते हैं, एंड लाइक हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो कैप्चर करते हैं, आपको दिखाते हैं। एंड हमारे पास एक माइक जो लेफ्ट कान में सुनाई नहीं देता है, जो राइट कान में सिर्फ सुनाई देता है, TRSS इनपुट प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे RRSS ने पूछा है कि भाई RRS ने पूछा है कि भाई question number 1, भाई बेस्ट इंजन ऑयल फॉर लॉन्ग राइड एंटॉक के लिए। अभी तक मैंने लॉन्ग राइड किया ही नहीं, 500 किलोमीटर के तो मैंने राइड किया ही नहीं, जिस दिन करूँगा, जिस दिन जो इंजन ऑयल मुझे अच्छा लगेगा उस दिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं अभी रिकमेंड करने के लिए नहीं खड़ा उतरा हूँ, जिस दिन मैं करूँगा ना उस दिन मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा। तो question number 2, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक एंटॉक के साथ? एंटॉक के साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही पावर पैक मशीन है, मैं तो इसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार तो यार हर कोई करता है अपना अपना मशीन से।
मगर ओवरऑल गाड़ी बहुत ही अच्छा है। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, आप यूट्यूब के अलावा और क्या करते हैं? हम यूट्यूब के अलावा हम अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में डिलीवरी कंपनी में, ठीक है। एंड विनय शर्मा ने यहाँ पे बोला कि भाई बी सेफ एंड सिक्योर। भाई आप भी यार बी सेफ एंड सिक्योर, स्टे सेफ स्टे हेल्थी। बस दुआ करो कि भाई ये प्रॉब्लम ये सिचुएशन जल्द से जल्द ख़त्म हो बोल के। एंड व्लॉग भाई रोशन ने यहाँ पे पूछा कि भाई ब्रो बिग फैन फ्रॉम सिलीगुड़ी। ओ माय गॉड, सिलीगुड़ी बिग फैन, फैन मत बोलो यार, हम उषा फैन पूजा फैन बोल के फिर हमें खरीदने के लिए आएगा, ठीक है। फैन वैन नहीं है, हैशटैग भाई भाई, हमें भाई भाई, यहाँ पे फैन वैन नहीं चलेगा यार अपने साथ। इस चैनल में इस बंदे के साथ फैन नहीं बोलने का, भाई भाई, हम भाई भाई है, भाई भाई। तो उनका क्वेश्चन है कि भाई वैसे आप क्या करते हो? हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं डिलीवरी सेक्टर में प्राइवेट कंपनी। एंड आपका डिग्री कितना है भाई? डिग्री तो वही है बीकॉम, इग्नो से क्या है। एंड आप सिलीगुड़ी मीटअप कब रखोगे? भाई सिलीगुड़ी मीटअप के बारे में तो हमने अभी तक सोचा ही नहीं, सोचूंगा क्या मीटअप के बारे में? कल ही रख दूँ शायद। मीटअप इस साल नहीं हो पाएगा क्योंकि यार इस साल ना हमें भीड़ से दूर भागना है, ठीक है। तो भीड़ से ना दूर भागना है, भीड़ मुझे इकट्ठा नहीं करना है, पुलिस का डंडा नहीं खाना है, तो उस वजह से शायद मीटअप के लिए मैंने अभी तक नहीं सोचा है। अगला साल ही होगा, जो कुछ भी होगा अगला साल ही होगा तो हम आपको बता ही देंगे। एंड गणेश श्री सात ने कहा है कि विच इज़ योर नेक्स्ट स्कूटर और बाइक। ओ माय गॉड, क्या पूछ दिया ये, विच स्कूटर और बाइक? स्कूटर तो है अभी मेरे पास एंटॉक, तो अभी मुझे स्कूटर का ज़रूरत नहीं है, मुझे बाइक लेना है। मगर बाइक कब लूँ मैं बाइक? तो बाइक जिस दिन लूँगा, जिस दिन सोचूंगा उस दिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि इनफील्ड को तो मैंने दे दिया है किसी को, अपना जान को। तो फ्यूचर में मैं अगर सोचूंगा, मैं अगर डिसाइड करूंगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, ठीक है। अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है। वैसे तो हम टूर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ऑब्वियसली मैं टूरिंग बाइक लूँगा, मगर कौन सा होगा वो धीरे धीरे बता देंगे आपको। एंड शिवम सिंह ने यहाँ पे पूछा है कि भाई, पूछा नहीं यार, ये तो बता रहे कि हमको शॉर्ट आउट दे देना भाई Q&A वाले वीडियो में। हाँ, Q&A वाले वीडियो ही चल रहा है। शिवम सिंह हो गया भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। व्लॉग्स ऑफ निखिल राणा, दैट्स ग्रेट थॉट द अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर, मतलब Q&A वीडियो के बारे में। फॉर द नेचर ऑफ मशीन एंड टॉक आई एम एक्साइटेड टू सी। चलो भाई, चलो सही है। अभी घोष ने यहाँ पे पूछा कि भाई ब्रो, अगर लॉन्ग राइड पे एंटॉक लेके जाए तो मैक्सिमम कितना किलोमीटर्स तक कंटिन्यूस चला सकते हैं एंटॉक को विदाउट गिविंग एनी रेस्ट टू दिस मशीन? बाय द वे, मैं गुवाहाटी टू शिलोंग गया था, 104 किलोमीटर कंटिन्यूस चला के गया था। लव फ्रॉम आसाम। तो मेरा ये मानना है कि भाई आफ्टर एवरी 1 आवर गाड़ी को रेस्ट देना चाहिए, 5 या 10 मिनट के लिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैं हिली रीजन में रहता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम गाड़ी को इसी रीजन पे ही चलाता हूँ। तो जब भी मैं लॉन्ग टूर जाता हूँ, जैसे कि मैं गया था गैंगटॉक, सिक्किम, नामची, पेलिंग, तब मैंने क्या किया कि भाई गाड़ी को एवरी 1 आवर के बाद मैं गाड़ी को रेस्ट देता था, क्योंकि स्टीफ रोड में चढ़ाई चढ़ना, गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देके ही अच्छा लगता है ना, गाड़ी को भी ज़्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि आगे जाके फिर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर अपना ही वाट लगना है। तो मेरा तो यही मानना है। हाँ, अगर आप प्लेन एरिया में चलाते हो, अगर आप प्लेन्स में चलाते हो, तो आफ्टर 1.5 या 2 घंटे के बाद रेस्ट दे सकते हो, डिफरेंट है ना, अब हिली रीजन एंड प्लेन रीजन। सिद्धांत विश्वकर्मा ने यहाँ पे पूछा कि भाई विच वर्जन ऑफ एंटॉक इज द बेस्ट, BS4 और BS6? तो BS4 भाई पुराना वर्जन था, BS6 नया वर्जन है। तो ऑब्वियसली BS6 में कुछ कुछ अपग्रेड होके आया है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप BS6 ले ले। अमित दत्ता ने यहाँ पे पूछा कि भाई कैन आई कवर 1000 किलोमीटर इन 1 डे इन एंटॉक स्कूटी, प्लीज़ टेल मी सर। भाई हम किसी का सर नहीं है, हमें यहाँ पे बोला है सर नहीं है, भाई। तो भाई आपने तो यार ये बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई 1000 किलोमीटर, वो भी एंटॉक में एंड एक दिन में। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आप लॉन्ग राइड भी करें ना, तो ज़्यादा दूर का डिस्टेंस मत चूज कीजिए, जैसे कि 1000 किलोमीटर, वो तो यार नहीं हो पाएगा एंटॉक में। ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आप लॉन्ग टूर चूज़ करते हो, तो भाई जो डिस्टेंस सेट करते हो ना आप, अगर ज़्यादा ही आपको लॉन्ग जाना है, तो 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक का डिस्टेंस चूज करो। 1000 किलोमीटर का भाई गोली मारो, ठीक है, नहीं हो पाएगा। अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो, करो।
एंड आशीष राय ने यहाँ पे बोला कि भाई दार्जिलिंग टाइगर हिल सनराइज वीडियो प्लीज, लॉट्स ऑफ लव ब्रो। ब्रो आपका प्यार से ही तो हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, लाइक यही प्यार यही सपोर्ट का बहुत ही जरूरी है मुझे, बस इस तरह ही सपोर्ट करते रहना। एंड दार्जिलिंग टाइगर हिल का जो सनराइज वीडियो है ना, वो तो ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा। प्लान था इस फरवरी या मार्च महीने को, मगर वो प्लान फेल हुआ, ड्रॉप हुआ। एंड अभी तो इस मानसून सीजन में ऑब्वियसली नहीं होगा, सेप्टेम्बर तक कुछ ऐसा ही सीन नज़र आए, कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा, सिर्फ फॉग, बादल, बारिश। तो होपफुली अक्टूबर या नवंबर को हम वीडियो देंगे आपको। एंड राज शाह ने यह भी पूछा कि भाई यूट्यूब से कितना अर्निंग होता है, एंड आपका होम टाउन का नाम क्या है? भाई हमारा होम टाउन का नाम है करशंग एंड विलेज का नाम है घयाबारी। तो यूट्यूब अर्निंग के बारे में अगर हम बात करें तो भाई यूट्यूब से अर्निंग तो हो रहा है, रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे। अभी तक तो मैंने रिसीव नहीं किया है, जिस दिन रिसीव करूँगा उस दिन मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे डाकू कुमार ने पूछा कि भाई पिक्चर तो बहुत सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या? सिर्फ पिक्चर ही आप बता रहे हो यार, कॉमेंट में मुझे भी कह दो कि भाई आप भी हैंडसम हो, आप भी क्यूट हो, आप भी ये हो, आप भी वो हो, सिर्फ पिक्चर क्यों यार? ये तो नाइंसाफी होना ब्रदर, है कि नहीं? जॉक से पार्ट चलो। एंड जुबेर कुंता ने पूछा कि भाई हैशटैग भाई भाई, ऑब्वियसली हैशटैग भाई भाई, ठीक है ना, ये चलता रहेगा। भाई आप क्या काम करते हो? भाई हम ना ऑनलाइन डिलीवरी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो अभी तो वही चल रहा है बस हमारा, ऑनलाइन डिलीवरी यही काम करते हैं, यही काम करते हैं। एंड ऋतिक सुबह ने यहाँ पे पूछा कि भाई द विच इज़ योर ड्रीम बाइक? ओ माय गॉड, ड्रीम बाइक तो अभी तक मैंने ड्रीम ही नहीं किया है, क्योंकि जिस दिन ड्रीम करूँगा उस दिन तो मैं लेकर ही रहूँगा, तो अभी तक मैंने ड्रीम नहीं किया है, बस जिस दिन ड्रीम करूँगा उस दिन मैं लेकर रहूँगा, मगर अभी नहीं, और शायद ये साल को जाने दो, शायद नेक्स्ट ईयर भी, शायद देखेंगे कब होगा, दिखाई दूँगा। तो ठीक है ना, ड्रीम बाइक मत पूछो यार, दिल में लगता है, क्योंकि मैंने रॉयल इनफील्ड को इस साल ही जाने दिया, एंड लाइक फिर अभी स्कूटी निकाला, अभी फिर ड्रीम बाइक, अलग संभाल, तो ये तो हो नहीं सकता ना। एंड पूजा रानी ने यहाँ पे बोला कि भाई सुपर डियर मिस योर वीडियोस, इस तरह ही मेरा वीडियोस को मिस करना, मुझे मिस करना, तो हम भी आपको कंटिन्यूसली ही वीडियो देते रहेंगे, अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वही इतना ही कहना है मुझे, इतना ही कहना है, ठीक है भाई लोग। ये तो हुआ Q&A सेशन, एंड मैंने शायद होपफुली आप सबका आंसर दे दिया है, जो फ्रिक्वेंटली मुझे कमेंट बॉक्स में आते हैं, भाई आज उन लोग कहाँ गया भाई, जब मैंने पूछा कि भाई आपको आपका क्वेश्चन मुझे पूछो मैं आपको आंसर दूंगा बोल के, तो उन लोग कहाँ गया जो सिर्फ एंटोक के माइलेज के बारे में पूछते, एंटोक का माइलेज कितना देता है, एंटोक कितना माइलेज देता है आपको, आपका गाड़ी कितना माइलेज देता है, BS6 कितना माइलेज देता है, BS4 कितना माइलेज देता है, सिर्फ माइलेज के बारे में जो पूछते हैं ना मुझे कमेंट बॉक्स में, मतलब डेली रोज़ाना 2 या 3 कमेंट मुझे आते रहते सिर्फ माइलेज के बारे में। तो वो जनाब लोग कहाँ गए भाई, हमने जब आपको पूछा कि भाई आप कमेंट बॉक्स में आके पूछो बोल के, तो कमेंट बॉक्स में तो आए नहीं, सिर्फ वो रैंडमली कहीं किसी भी वीडियो पे दबा दिया, वहाँ पे पूछ दिया, फिर भी मैं आपको जवाब तो वहाँ पे भी देता हूँ, लाइक यहाँ पे भी मैं आपको दूंगा। तो एंटोक मुझे अभी फ़िलहाल 35 से 38 किलोमीटर ही दे रहा है, वो हिली रीजन में, वो प्लेन एरिया का मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने गाड़ी को प्लेन एरिया में 1-2 बार ही चलाया है, तो मुझे ना लिटरली यहाँ पे हिली एरिया में मुझे दे रहा है स्टीव रोड में 35 से 38 किलोमीटर एंटोक, ठीक है। तो भाई ये तो हुआ एंटोक के माइलेज के बारे में, लाइक मैं अपने आप से एक चैलेंज ले रहा हूँ अभी, हालांकि मैं पूरा प्रॉपरली सेट नहीं हो चुका उस चैलेंज को लेकर, बस मेरा दिमाग में अभी वो चीज़ घूम रहा है कि भाई हम क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से करें बोलते, ठीक है। एंड लाइक मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता ही दूंगा कि भाई हम कौन सा चैलेंज ले रहे हैं इस ब्लॉगिंग के दुनिया में। बस आप इस तरह ही अपना प्यार देते रहना, साथ देते रहना, सपोर्ट करते रहना, आपको हम धीरे धीरे बताते जाएंगे कि भाई कौन सा चैलेंज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए और मेरे लिए। सो विद दिस गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, एंड इफ़ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी, बाय बाय।